शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम फतेहपुर में पति की मौत के बाद महिला और उसके बच्चों को ससुराली जन जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसी से प्रताड़ित होकर महिला आज एसपी ऑफिस पेट्रोल लेकर पहुंच गई। महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी और समस्या के निदान का आश्वासन दिया। बता दें, महिला अपने गृहस्थी का सामान लोडिंग में भरकर एसपी ऑफिस पहुंची थी। महिला का आरोप था कि पति की मौत के बाद चल रहे केस में राजीनामा कराने के लिए उसके ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, साथ ही उसे जायदाद से हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। इसकी शिकायत करेरा थाने में दर्ज कराई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया और कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के अनुसार राजकुमारी ग्राम फतेहपुर थाना करेरा ने बताया कि उसका पति शराब की दुकान पर काम करता था। 6 सितंबर को दुकान पर स्टाफ ने पति के साथ बहरहमी से मारपीट की जिसके इलाज के दौरान 29 सितंबर को मौत हो गई। महिला के पति के साथ मारपीट घनश्याम शिवहरे ने कराई थी। घनश्याम ने महिला के जेठ से पैसे देने की बात कर ली थी। घनश्याम ने 10 लाख रुपए और मकान बनाकर देने की बात कही थी। बाद में घनश्याम ने जेठ को 5 लाख रुपए भी दे दिए थे।